आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। सुपर कॉरिडोर रोड के पास स्थित प्रोजेक्ट कॉरिडोर एक्सोटिका में ब्लॉक एफ में ग्राहकों के द्वारा वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक फ्लैट्स खरीदने हेतु प्रेम श्री प्राइम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर राजकुमार जैन व प्रशांत जैन से अनुबंध किया था, जिसमें कंपनी के द्वारा वर्ष 2019 तक फ्लैट्स पूर्ण रूप से तैयार करके ग्राहकों को कब्जा देते हुए रजिस्ट्री करनी थी, परंतु कंपनी के द्वारा फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया व अधिकतर ग्राहकों की रजिस्ट्री नहीं करी। वहीं कंपनी वर्तमान में डिफॉल्टर हो चुकी है, क्योंकि कंपनी के ऊपर मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन का करीब 11 करोड़ रुपए ऋण बाकी। उक्त संबंध में पुलिस थाना गांधीनगर द्वारा ग्राहकों के आवेदन पर जांच करते हुए FIR दर्ज की गई है। इंदौर के गांधीनगर थाना प्रभारी RC भास्कर ने बताया कि बिल्डर राजकुमार जैन तथा सह आरोपी प्रखर जैन एवं निर्भर सिंह को गिरफ्तार किया गया है व शेष आरोपी गणों की तलाश जारी है। आरोपियों से फ्लैट खरीदने वाले शिवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2014 में खुद के घर का सपना संजोकर फ्लैट के लिए राजकुमार जैन को लगभग 90% से अधिक राशि का भुगतान कर दिया, किंतु अब पता चला कि फ्लैट MPFC के पास गिरवी रखे हुए हैं, जबकि उन्होंने भी नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लेकर फ्लैट खरीदा था। अब ना तो फ्लैट उनके पास है और ना ही उसकी रजिस्ट्री, ऊपर से बैंक का कर्जा माथे पर है। ऐसे में लगभग 80 से 90 लोग पीड़ित हैं, सभी सरकार से और प्रशासन से मदद की गुहार कर रहे हैं। सर, आज एक मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कॉरिडोर एक्सोटिका जो कि सुपर कॉरिडोर की सबसे पहली कॉलोनी थी, उसके कुछ लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, क्या पूरा मामला है? ये सुपर कॉरिडोर रोड के पास में एक स्थित प्रोजेक्ट कॉरिडोर एक्सोटिका में ब्लॉक एप में ग्राहकों के द्वारा 2014 और 2018 तक फ्लैट खरीदने और हेतु प्रेम सीसी प्राइम प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर राजकुमार जैन और प्रशांत जैन से अनुबंध किया गया था ग्राहकों ने, जिसमें कंपनी के द्वारा 2019 तक प्लेट पूर्ण रूप से तैयार करके उनको देना था, ग्राहकों का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री करनी थी, परंतु कंपनी द्वारा प्लेट और निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया और अधिकतर ग्राहकों की रजिस्ट्री नहीं करी है। इसमें से वर्तमान डिफॉल्टर हो चुकी है, क्योंकि कंपनी के उधर मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन के करीबन 11 करोड़ रुपये का ऋण बाकी है और संबंध में पुलिस द्वारा गांधीनगर द्वारा ग्राहकों के आवेदन पर जांच करते हुए आज अपराध पंजीबद्ध करा है 420 409 और 120 बी, और अपराध कायम करके जो इसके डायरेक्टर है राजकुमार जैन को और उनका लड़का है प्रफुल्ल जैन और उनका जो साथी है उसको भी आज गिरफ्तार पुलिस ने किया गया है। सुपर एक्सोटिका में आप लेट थे, क्या कहना चाहेंगे, आज आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? जी सर, सर कॉरिडोर एक्सोटिका सुपर कॉरिडोर की सबसे पहली टाउनशिप है और हम लोगों ने 2012-2013 में जब इसका प्रचार सुना तो 2012-13 में हम लोगों ने एक इच्छा थी कि इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है, बड़ी सिटी है, तो हमारा भी शहर में घर होना चाहिए, और हम लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ में बिल्डर के साथ में एसोसिएट होकर के और फ्लैट परचेज किया था, और बिल्डर ने हमको आश्वासन भी दिया था, एग्रीमेंट भी ऐसी चीज़ लिखी हुई थी कि 2016 में आपको फ्लैट में रहने के लिए पजेशन मिल जाएगा, और एज़ पर एग्रीमेंट जो उनके नॉर्म्स थे 2016 तक हम लोगों ने पजेशन के हिसाब से कि हमको पजेशन मिल जाएगा, हम लोगों ने उनको पूरा पैसा भी दे दिया, और 2016 के पहले से ही मतलब 2015 से
मल्टी का सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करके और मल्टी को छोड़ दिया गया, उसमें कोई किसी भी तरह की गतिविधि कुछ भी काम नहीं हो रहा था। हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया कि चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट लेट होता है। उसके बाद जब बिल्डर से संपर्क करने की कोशिश की गई तो बिल्डर ना कभी किसी का फ़ोन उठाता, ना मेल का रिप्लाई करते, इवन हम लोग अगर उनकी ऑफिस में जाते तो ऑफिस में भी कोई नहीं मिलते थे। तो हम लोग फ्रस्ट्रेट होकर के फिर पुलिस डिपार्टमेंट के मतलब जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट थे उनके पास गए। हम लोग कलेक्ट्रेट में कई बार वहाँ जाकर के कलेक्ट्रेट में जो भी संबंधित अधिकारी थे उन लोगों से मिले, तो कलेक्ट्रेट से तो हालांकि हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद किसी ने सजेस्ट किया कि आप डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाओ, और हम लोग जाकर के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं अमित तोलानी साहब, उनसे हम लोग जो सारे फरियादी जाकर के मिले, रिक्वेस्ट की सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। उन्होंने बड़ी गंभीरता से सुना और उसके बाद हमको आश्वासन दिया और हमारा एप्लीकेशन लेकर के आवेदन लेकर के उसको जांच पे दे दिया गया। गांधीनगर थाने से जो भी संबंधित अधिकारी थे उसमें कंटिन्यू जांच की है उन लोगों ने, और पाया कि नहीं रियल में अपराध है, कई लोगों के साथ में बहुत मतलब 70 से 80 लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है। और हम लोग सबसे बड़ी बात कि हम लोग 90% पैसा दे चुके हैं, कुछ लोग 100% पैसा भी दे चुके हैं। कितनी राशि में आपने फ्लैट लिया था ये? सर फ्लैट की साइज वाइज अलग अलग कीमत है, लगभग 22-23 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच में कीमत है। इसके लिए आपने किसी प्रकार का कोई लोन लिया था? बिल्कुल सर, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे फ्लैट परचेज करने के लिए हम लोगों ने लोन लिया और लोन लेकर के पूरा उनको पेमेंट कर दिया, 90% से 100% तक हम लोग पेमेंट कर दिए। अब जब बिल्डर के पास में जा रहे हैं तो हम लोगों को ये लग रहा है कि एटलीस्ट हमारी रजिस्ट्री तो होनी चाहिए। जब हम रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो बिल्डर ये बोल रहा है कि MPFC मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास हमारे सारे फ्लैट या जमीन जो भी है गिरवी रखी हुई है, वहाँ से जब तक आपकी NOC नहीं मिलेगी तब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। अब सर आप ये बताइए कि NOC ना मिलने में हमारी क्या गलती है? हम तो दोनों तरफ से गए ना, इस तरफ से हमने पूरा पैसा भी दे दिया, इधर हमको किराए के मकान में भी रहना पड़ रहा है और उधर बोल रहे हैं कि आपकी रजिस्ट्री भी नहीं हो पाएगी।